मध्य प्रदेश कांग्रेस में चल रहा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के नेता तो आपस में ही आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। कभी दिग्विजय सिंह कोई विवाद खड़ा कर देते हैं तो कभी वन मंत्री उमंग सिंघार। नेता कोई भी हो, वो किसी भी पद पर विराजमान क्यों ना हो, लेकिन फजीहत तो कांग्रेस पार्टी की ही हो रही है। वैसे इन विवादों पर लगाम लगाने के लिए पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी है, लेकिन लगता है बीजेपी को तो बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिस पर वो जमकर राजनीति भी कर रही है और कांग्रेसियों पर कई आरोप जड़ रही है। अब बीजेपी के ही कद्दावर नेता महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को ले लीजिए, जिन्हें लगता है सत्ता में आते ही कमलनाथ सरकार के मंत्री इस बात पर बहस कर रहे हैं कि कौन बड़ा चोर है कौन छोटा चोर। कौन छोटा चोर है कौन बड़ा चोर है, इस बात की प्रतिस्पर्धा हो रही है। कौन रेत माफिया है कौन शराब माफिया है, किसको हिस्सेदारी मिल रही है किसको नहीं मिल रही है, इस बात की सब उनकी लड़ाई है। अब जनता भी समझ रही है कि 10 साल से कोई अवसर मिला नहीं था और एकदम अवसर मिल गया तो सबने अपना अपना फावड़ा निकाला और समेटने में लगे हुए हैं, और उसमें जिसके फावड़े में कम आ रही है वो शोर मचा रहा है, जिसके फावड़े में ज़्यादा माल आ रहा है वो आना। वैसे कैलाश विजयवर्गीय का ये आरोप कोई आकस्मिक नहीं है, बल्कि कुछ दिन पहले ही प्रदेश के वन मंत्री उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह को रेत और शराब माफिया बता दिया था। सिंघार के उस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी साफ साफ बटी नजर आ रही थी। अगर एक जगह सिंधिया सिंघार के समर्थन में उतर आए थे तो वही दिग्विजय समर्थकों ने उमंग सिंघार के पुतले जला दिए थे। लेकिन इसी विवाद पर कैलाश विजयवर्गीय ने चुटकी ले ली और दिग्विजय को पार्टी में अलग थलग पड़ा हुआ नेता बता दिया। मुझे लगता है कि घबराहट में अब वो भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम दे रहे हैं, वैसे वो अकेले पड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि कमलनाथ जी से जो अपेक्षा थी वैसा साथ दे नहीं रहे, सिंधिया जी उनके साथ है नहीं, और इसलिए एक बहुत छोटे कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह जी की तुलना में उमंग सिंघार छोटे कार्यकर्ता, उन्होंने जिस तरीके से साहस दिखाया है उससे घबरा गए थे। बीते कुछ दिन से जिस तरीके से बीजेपी कमलनाथ सरकार पर हावी होती दिख रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि एमपी कांग्रेस को कुछ ऐसा तुरुप का इक्का चलना पड़ेगा जिससे वो खुद के ही द्वारा बनाए गए इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सके। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।